अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दार एजुकेशन के सी एलिमेंट्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आज हम बात करें कि यूजिंग वेरिएबल इन सी। अभी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि वेरिएबल होते क्यों। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हाउ टू राइट अ सिंगल प्रोग्राम। आपने पिछले में देखा द प्रोग्रामर एंड टू डिस्क्राइब योर प्रोग्राम विद कमेंट्स, दैट्स ग्रेट। बट वट अबाउट इंटरेक्टिंग विद योर यूजर? इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर योर प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इनपुट। जैसे अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर इनपुट करेंगे ताकि हम यूजर से वैल्यू गेट कर सकें। अभी तो आप दो नंबर ले रहे हैं ना यूजर के बगैर। फर्स्ट बिफोर यू ट्राई टू रिसीव इनपुट यू मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टोर दैट इनपुट। आप यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एटीएम पे आप जाते हैं, वो आपको पासवर्ड लेता है या अमाउंट करता है या कुछ भी आप इनपुट लेते हैं, जब तक उसको स्टोर कराने के लिए आपको जगह नहीं बनाएंगे उस वक्त तक उसका वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं हो सकता। इन प्रोग्रामिंग इनपुट एंड डाटा आर स्टोर इन वेरिएबल्स। जो कुछ भी आप इनपुट की सूरत में देते हैं, वो बार कोड सिस्टम है, टच सिस्टम है, कोई चीज जाके कहाँ वैल्यू स्टोर होगी? इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। व्हेन यू टेल अ कंपाइलर यू आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल यू मस्ट इंक्लूड द डेटा टाइप अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द वेरिएबल। सेवरल बेसिक टाइप्स इंक्लूड कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। ईच टाइप कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हर एक जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को इस्तेमाल करती है और ये हमने पिछली दफा देख लिया। अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। एक अगर आपने कैरेक्टर टाइप लिए तो उसमें सिर्फ एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। आके अगर आप इसमें प्रोग्राम बनाएं तो ये देखें, आप लोग इस तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। ऐसी प्रोग्राम के अंदर एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाता है। इसका केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कैरेक्टर मैंने दिया CHAR और मैंने नेम दे दिया फॉर एग्जांपल। अब देखें, अगर मैंने एक नाम दिया इन्वर्टेड कॉमा, अब मैं इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि वो एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन अगर आपने इसके साथ SA डाल दिया तो अब देखेंगे कि अब सॉरी इंटीजर क्या कहा गया SA, जो आप पूछ रहे थे मुझसे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ नहीं था, जो आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं कॉमा डाल के आप आगे से वो नहीं लिखते, ये अब इसको कंपाइल करें। अब हमें देखा नेम आ रहा है, क्यों? कि आपने ये जो परसेंटेज डी और परसेंटेज सी, ये नहीं आया। परसेंटेज सी इज फॉर द, यू कैन सी दैट कि ए, हालांकि इसके अंदर एस ए है, सिर्फ एक वैल्यू, एक एट्रीब्यूट। अगर सी है इसकी जगह पे आप एस कर देते, क्योंकि एस आता है, देखिए जरा, एस का कोई मीनिंग नहीं पता उसको। ये इसलिए है ताकि कंपाइलर को बताया जा सके, ठीक है। अब जैसे आपने सम का पिछला प्रोग्राम बना रहे थे तो नंबर वन प्लस नंबर टू, अब मुझे बताइए प्रोग्राम चलेगा? किसके अंदर जो कह रहे हैं चलेगा वो गलत है। एन नंबर टू की वैल्यू नहीं है, इसलिए जब आप इसको कंपाइल करेंगे वो कहेगा जी आपका ये रिजल्ट, और साथ में डीबगिंग मोड में चला गया। ये इसीलिए इतने एरर में चला गया क्योंकि इसकी जो डिक्लेरेशन थी गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई थी नंबर टू पे। अगर आप इसको 76 कर दें तो अब आपका ये प्रोग्राम बिल्कुल फाइनली चलेगा। ये सारा वो परसेंटेज एस की वजह से लेके बैठा हुआ है। अब अगर यहाँ पे एफ रख दें, अब आप कहेंगे जी सर हम कंप्यूटर में तो नाम कैसे डाल लेते हैं, वो हम बताएंगे आपको। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर,
अगर आप देखें तो इंटीजर वेरिएबल उसी तरीके से हमने कहा कि इंटीजर है, इट इज इम्परमिसिबल टू डिक्लेयर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप एट द सेम लाइन, जो भी हमने बातें की वो सारी उसके मुताबिक। ये गलत तरीका है इस तरह से लिखना, ये भी समझ लें। आपने अगर ये सम इस्तेमाल किया हुआ नजर आ रहा है आपको, आपने अगर कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो ये प्रोग्राम गलत है, वो जीरो आ जाएगा। क्यों? कि एक्शन तो आपने बाद में परफॉर्म किया, शो पहले करा लिया, और अगर मैंने इसको डिक्लेयर ही यहाँ पे नहीं किया हुआ, मैं डायरेक्ट डिक्लेयर ही इसको बाद में करता हूँ, तो अब तो ये कंपाइल टाइम पे ही अभी बता देगा कि गलती है जनाब, ये मुझे सम भी नहीं मिल रहा। हालांकि आप कहेंगे कि सम दिया तो हुआ है, लेकिन सम अगली लाइन पे दिया है आपने, यहाँ तक जब अगली लाइन ये लाइन पढ़ा था उस वक्त तक सम का वजूद नहीं था। अगर मैं यहाँ पे यही वाला लाइन कॉपी कर लूँ, आप देखिएगा सेम टू सेम, मैं कोई चीज चेंज नहीं कर रहा, यहाँ पे कर लेता हूँ, आप देखिएगा ऊपर एरर देगा नीचे नहीं देगा, ठीक हो गया। अब इसको डिक्लेयर कर देंगे, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिक्लेरेशन के ये सारे रूल्स आपने याद रखने। सो ये भी आपका गलत था जो मैंने अभी आपको बताया। एक और है, डिक्लेयर पहले फर्स्ट एंड देन यूज, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करें देन यूज इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिला आपको।